नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अकाउंट्स प्लानेट एडवाइजर्स में मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। हम समय समय पर जीएसटी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहे हैं। प्रोसीजर हो या एक्ट हो या रूल हो या नए नोटिफिकेशन हो, इस प्रकार की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाती हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी नोटिफिकेशन पर, किसी रूल पर, किसी एक्ट पर या किसी प्रोसीजर पर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसके साथ अब हम एक नई वीडियो आपके लिए लाए हैं। आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन स्कीम। आपने कई बार सुना होगा गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम लागू की है। इसको हम हिंदी में समाधान योजना भी कहते हैं। समाधान कैसे है? कंपोजिशन समाधान क्यों है इसका नाम समाधान? क्योंकि ये काफी जो है इजी स्कीम है व्यापारी बंधुओं के लिए। आज हम इसके क्या एलिजिबिलिटी है, इसे कौन कौन ले सकता है और इसके लेने के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, नुकसान भी है कंपोजिशन स्कीम के, कुछ नुकसान भी हैं, वो हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, हमारे व्यापारी तीन प्रकार के होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। मेरे हिसाब से कंपोजिशन स्कीम ट्रेडर के लिए ही फायदेमंद थी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए पहले बिल्कुल नहीं थी। अब कुछ कंडीशन का अगर आप पालन करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर भी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, किंतु इसका कोई फायदा नहीं। सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम का कोई लाभ नहीं। तो मेरे ट्रेडर भाई, विशेष तौर पर जैसे परचून की दुकान होती है या मेडिकल शॉप होती है, वो ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम को ही लें तो इससे काफी उनके अकाउंटिंग कंप्लायंस रिलेटेड और जीएसटीआर में जो फाइलिंग रिलेटेड जो काफ़ी सारी चीज़ें हों काफ़ी कम हो जाएंगी और इसकी फाइलिंग भी काफ़ी इजी हो जाएगी और आपको समय भी जो है फाइलिंग का वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले से कौन ले सकता है इसे? ट्रेडर ले सकते हैं। 1.5 करोड़ जिनका सालाना वार्षिक टर्नओवर है, सेल है, वो इसे ले सकते हैं। जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर है वो इसे नहीं ले सकते। 1.5 करोड़ वाले व्यापारी मेरे बंधु इसे ले सकते हैं। अब लेने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें रूल्स है, मैं प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा, बाकी पहले रूल आपको बता दूं। चैप्टर 2 कंपोजिशन लेवी, रूल 3 इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी। इंटीमेट कैसे आप करेंगे सरकार को? ये दो प्रकार से है। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के समय ही उसमें कंपोजिशन चूज कर लें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से चल रहा है तब आप जीएसटी सीएमपी 02 फाइल करके कंपोजिशन स्कीम, बेसिकली ऑप्टेन कंपोजिशन स्कीम का फॉर्म होता है वो आप फाइल करके और आपका जो भी वार्षिक अगला साल शुरू होना है वहां से आपको कंपोजिशन मिल जाएगी। ये साल शुरू होने के आपको 30 दिन के अंदर अंदर ये फाइल करना होगा या पहले कर दें। अब इसमें टैक्स रेट कैसे लगेगा? नॉर्मल अगर आप लेते हैं, नॉर्मल आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, तब आपको हर महीने GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करनी होती है हर महीने, जिसमें कि आपको अपना इनपुट का भी पूरा हिसाब लगाना होता है कि आपकी ITC बनी है और जो आपका टैक्स है उसका भी हिसाब लगाना होता है, उसका जो माइनस जो भी डिफरेंस होता है वो आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को, जिस भी रेट के हिसाब से 5, 12, 18, 28 जो भी रेट है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आपको केवल जो आपका सेल है उसका 1% गवर्नमेंट को GST के रूप में पे करना है। फाइलिंग 3 महीने में एक बार होगी और इसमें परचेज का जो है ITC आपको नहीं मिलेगी। परचेज की ITC आपको नहीं मिलेगी, ये बात आप याद रखेंगे।
जो भी आपने परचेज की है उसकी ITC आपको नहीं मिलेगी, आपको जो भी आपकी सेल है उसका 1% आपको जमा करना है। अब इसमें घाटा क्या है कि ITC नहीं मिलेगी, लेकिन फायदा क्या है, आपको वो सारे परचेज के बिल भी नहीं रखने हैं। आप परचेज के बिल रखेंगे फिर उनको चेक कराएं, किसी ने डाला है किसी ने नहीं डाला, फिर उनको देखें। सेल में भी काफी ज्यादा फिर परसेंटेज वाइज, अब मैंने आपको बताया मेडिकल में या ये परचून की दुकान जिनमें भी मतलब बहुत सारे सामान होते हैं सुपर स्टोर टाइप में, तो उनमें क्या है बड़े सारे रेट के सामान होते हैं, 5 का भी है, 12 के भी है, एग्जेम्प्ट भी है, 18 का भी है, 28 का भी है, तो वो आपको बहुत उसमें अकाउंटिंग जो है आपका अकाउंटिंग कंप्लायंस का काफी खर्चा हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया मुख्यतः कंपोजिशन आप लेंगे CMP02 भरकर, और उसके बाद एक फॉर्म ITC GST ITC 03 होता है, ये भी जब आपने अगर कंपोजिशन आपका रजिस्ट्रेशन पहले से चला रहा है, नए रजिस्ट्रेशन में इस फॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से चला रहा है तब आप ये रजिस्ट्रेशन भरेंगे, तब आप ये फॉर्म भरेंगे। इसमें आपकी जो भी आपका स्टॉक है उसकी सारी डिटेल जाएगी, जो स्टॉक आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया हुआ है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें ITC का लाभ नहीं मिलता और आपको 1% देना है, लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा हुआ है तो आपने फिर टैक्स एक बार भी नहीं दिया, तो इसलिए इसमें आप अनरजिस्टर्ड से खरीद भी नहीं सकते। कंपोजिशन में एक शर्त यह भी है कि आप अनरजिस्टर्ड से जो है सामान इसमें नहीं खरीद सकते, रजिस्टर्ड से ही सामान खरीदेंगे और उसका बेनिफिट आप नहीं लेंगे, और जो भी आपकी टोटल सेल है उसका आप 1% जमा कर देंगे 3 महीने। ये आपका कंपोजिशन स्कीम का सार है। उसके बाद ये कुछ फॉर्म जो मैंने आपको बताया ये भरने हैं। अब ये रूल क्या था, इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी, इफेक्टिव डेट कब से होगी, नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो जिस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है उस डेट से होगा, पुराने रजिस्ट्रेशन में आप कन्वर्ट हुए हैं तो जो आपका वार्षिक जहां से आपका वर्ष शुरू हुआ है वहां से आपका कंपोजिशन होगा उस पूरे वर्ष। रूल 5, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कंपोजिशन लेवी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो है कैजुअल टैक्स पर्सन और नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन जो है कंपोजिशन नहीं ले सकता है, या जो गुड्स आपके स्टॉक में पहले से हैं और वो आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदे हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 3, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते तो आप टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करेंगे, आप टैक्स वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, और आपका जो है ये बिल पर आप जो बिल ऑफ आपकी सप्लाई रहेगी उस पर आप ये लिखेंगे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये आप दुकान पर भी लिखेंगे और ये अपने बिल पर भी लिखेंगे। ये रूल्स है। अब वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, वैलिडिटी जब तक आपने लिया है जब तक चलेगी, आपने ले लिया एक बार चलती रहेगी, जब आपको छोड़ना है विड्रॉल करना है तो एक आता है इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल फॉर्म जिसका नाम है फॉर्म GST CMP 04, ये आप डाल देंगे आप कंपोजिशन से बाहर। रेट ऑफ टैक्स ऑफ कंपोजिशन लेवी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। रूल 7 क्या कहता है, रूल 7 कहता है मैन्युफैक्चरर है अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड, कुछ गुड्स हैं जो नोटिफाइड हैं उनके अलावा 0.5%, वही 0.5 1% 0.5 CGST 0.5 SGST 1% होगा। इसी तरह सप्लाई मेकिंग एफर्ट ये एक्चुअली 2.5% जो आपका रेस्टोरेंट के लिए है, अगर आप रेस्टोरेंट डीलर हैं तो वहां पे लेंगे 2.5%, बट उसमें फायदा नहीं है तो इसलिए वो ना लें तो ठीक है। ठीक है, तो वही 1% तो 0.5% 1% आपका हो जाए। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन आपका ये खत्म हो गया है। रूल इसमें थे आपके 3, 4, 5, 6, 7, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं कि कौन डीलर कंपोजिशन ले सकता है और कौन सा डीलर कंपोजिशन ले और कौन सा डीलर कंपोजिशन ना ले। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या और भी कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपका जल्दी से उसका जवाब देंगे। और धन्यवाद।